हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल श्वेता ब्लॉग 2023 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मुझे कमेंट आया था कि मक्खन का वीडियो अपलोड करो, तो हमने आज दही से मक्खन निकाला है और मट्ठा बनाया है और फिर घी बनाया है मक्खन से। तो आज हमने वीडियो अपलोड किया और मुझे कमेंट आ रहे हैं कि गोट मिल्क का वीडियो अपलोड करो मैम। तो हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास तो है नहीं बकरियां और हमारे अगल बगल आसपास भी बकरियां नहीं हैं, इस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। और मेरी इस समय मतलब बहुत व्यस्तता है। मेरी सास का हाथ टूट गया था तो प्लास्टर वस्टर चढ़ा के आए हैं, तो सारा काम हमें देखना पड़ता है। कोई आ गया रिलेटिव तो कुछ भी कोई तो मतलब बहुत सारा काम हो जाता है। और फिर जैसे कोई घर में बीमार होता है या कुछ भी तो बहुत सारा काम हो जाता है। तो इस वजह से हम इस समय हम काउ मिल्किंग का भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। जल्दी रहती है तो हम लगा लेते हैं, जल्दी दूध दूह लेते हैं, वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। तो हम मक्खन निकाल रहे हैं, पिस्ते निकाल के रख दिया था बाहर। तो फिर मक्खन निकल आया था, घोलते घोलते देख निकल आया है। फिर उसके बाद हमने हैंड वॉश किया, हैंड वॉश करके फिर मक्खन निकाला। फिर हमारा मक्खन निकल के हमारा मट्ठा तैयार हो गया। उसके बाद फिर हम मम्मी का प्लास्टर चढ़वा के हस्बैंड आए थे तो खाना खा रहे थे, तो फिर हमने उनको ग्लास में नमक डाल के मट्ठा दिया और फिर हमने मक्खन निकाल कर रखा। फिर उसको धुल लिया एक बार और धुल के फिर घी बनाया। हम निकाल चुके हैं, इसी तरह प्रोसेस करते हैं। फ्रिज में रखा था इस वजह से हमने 2-3 घंटे के लिए कमरे में रख दिया था, मतलब किचन में रख दिया था तो नॉर्मल हो गया था। नॉर्मल हो जाता है तो फिर मक्खन निकल आता है जल्दी से, और नहीं तो गर्म या ठंडा होता था तो नहीं निकलता है। घंटों फिराया करो तो टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है समझना। तो फिर हमने निकाल लिया। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। जिन लोगों ने कमेंट किया था मक्खन वाला वीडियो वो ज़रूर कमेंट कर देना कि हमने देख लिया है। तो हम आज के अपने किचन में लाइट आ रही थी तो हमने उसमें लगाया और चढ़ा दिया लो फ्लेम पर घी बनने के लिए। तो घी बनने लगा है, चढ़ा देंगे तो फिर चढ़ा दिया धीरे करके। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है घी की, पहले तो घट्टी घट्टी आती है, उसके बाद घी बन और कंपनी के घी चाहे जितना कहें बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पर इसकी सुगंध और इसकी सुगंध में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। ये देखिए एक कप पिघलने लगा है, फेना फेना हो गया है। उसके बाद जो भी इसमें मतलब दूध या मट्ठा जो होता है वो जल के जल जाता है और घी निकल आता है। तो ये देखो पकना स्टार्ट हो गया है, पक रहा है। पाँच मिनट लगे थे लो फ्लेम पर किया था हमने, तो 5 मिनट लगे थे, 5 मिनट में ये बन गया था घी। ये देखिए पकने लगा है तो अब घी पड़ने लगी थी। हमने कपड़ा डाल दिया था क्योंकि बहुत ऑयली हो जाता है इंडक्शन, तो इसलिए से कपड़ा डाल दिया था किनारे। ये देखिए पीला पीला हो गया। गाय का घी है इस वजह से पीला है, भैंस का होता तो फिर पीला ना होता। गाय का घी पीला होता है। देखिए पक गया है, एकदम पकने लगा, चट 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 होने लगा है। अब हम इसको गैस मतलब इंडक्शन बंद करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए, और ठंडा जब हो जाएगा, अब हमने गैस बंद कर दिया है, अभी ठंडा हो जाएगा उसके बाद फिर हम बंद कर दिया है कि बाहर रख लिया है। अब ठंडा होने के बाद 20 मिनट बाद उसके बाद तक छानेंगे। तो 20 मिनट हो चुके हैं, देखिए ठंडा हो गया, हमने छन्नी रखी और इसको छान लिया है।
हमने अपने हाथ से ही वीडियो बनाया है इस वजह से। ये देखिए बन गया है घी, देखने के लिए धन्यवाद।